नमस्कार, मैं शिवम पांडे, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर प्रयागराज से। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। देखिए हमारे संवाददाता जफरुल हसन की रिपोर्ट। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के कटघर इलाके के पास दो पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठियां बरसाई गई। हालांकि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। एक पक्ष ने पड़ोस में रहने वालों पर आरोप लगाया है कि आए दिन उनके घर के लोग हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं और कई बार इसको लेकर विवाद भी हो गया है। आज भारी संख्या में आरोपी पक्ष के लोग पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे और पीड़ित पक्ष के लोगों को जमकर लाठियों से पीट दिया। काफ़ी देर तक चले इस विवाद में 9 लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष की तरफ से मुट्ठीगंज थाने में तहरीर दे दी गई है। उधर पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता जफरुल हसन की रिपोर्ट। ये गाड़ी खड़ी होने को लेकर जो है विवाद हो रहा था। आए दिन ये लोग गाड़ियां खड़ी करते थे और परेशान भी करते थे। टमटम केसरवानी का परिवार है पूरा, तो उनके सारे बच्चे उच्चे सभी जो है, और ये लोग हमेशा गाली गलौज पे उतर आते हैं अगर कोई भी चीज़ मना करो तो। पूरा परिवार, लेडीज़ जेंट्स सब, अभी फिर अचानक आज जो है वो लोग पूरा परिवार जो है, मैं इस बात को जो है देख ही रही थी तब तक। मैं हमने कहा चलो मामला शांत है, लेकिन उन लोगों ने आज पूरी परिवार सहित जो है भाला, बर्छी, त्रिशूल, पता नहीं क्या क्या डंडा रॉड लेके मेरे घर में घुस के मेरे बच्चों को मारा, मेरे पति को मारा, पूरा खून खूना खून कर दिया। चारों तरफ से जो है सिर्फ खून ही खून फैला है। मेरे पति दुर्गेश गौड़, मेरे पति जो है दुर्गेश गौड़, मेरे बेटे संभव, वैभव, और मेरा भाई है तनु, ये लोग जो है इस सब चार पांच लोग हुए हैं। तो उसके बाद कार्रवाई क्या करनी है, आपने दिखा दिया? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दिया था, थाने में दिया है। दरोगा साहब जो है जो भी उचित कार्रवाई करें। मेरा नाम लाजवंती गौड़ है। आप कौन पत्नी जी? मैं दुर्गेश गौड़ की पत्नी हूँ। ये विवाद मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में हुआ है और कार पार्किंग को लेकर विवाद था। दो पड़ोसियों के मध्य विवाद था। दोनों पक्षों को इसमें चोट आई है। सभी को उपचार के लिए भेज दिया गया। लगभग 9 व्यक्ति इसमें घायल हैं। अभी चोट इनके बारे में तो मेडिकल रिपोर्ट इनके आने के बाद में बताया जा सकता है कितनी है, लेकिन जैसा प्रथम दृष्टया देखने में आया है कि सामान्य चोटें हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, कई लोग मिलकर मार रहे हैं, क्या कार्रवाई? जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।